हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक महाजन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेनेरिक टेकी। सो गाइज, आप देख सकते हो मेरे पास है शाओमी की तरफ से आने वाला रेडमी के 20 6GB 64GB वेरिएंट, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 730, जीपीयू 618 एड्रिनो की तरफ से। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हम करने वाले हैं पबजी का फुल रिव्यू इस पर्टिकुलर हैंडसेट में। हम देखेंगे कि कौन सी डिफ़ॉल्ट हाईएस्ट अवेलेबल सेटिंग्स आपको इस फोन में आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलती है। उसके बाद उस सेटिंग में भी मैं आपको खेल के दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ी लोअर सेटिंग में दिखाऊंगा। अगर उसमें सारी चीज़ें सही चली तो विल डिसाइड कि हमें नीचे वाली सेटिंग में देखना है कि नहीं देखना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम रिव्यू के साथ स्टार्ट किया जाए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं पबजी रिव्यू पे रेडमी के 20 पे। सो बिफोर आई स्टार्ट, सबसे पहले हम इस समय बैटरी का स्टेटस देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है स्टेटस बैटरी का। चलिए यहाँ पे हम एप्लीकेशन पे देखते हैं। एंड इफ़ यू लुक इनटू द एप्लीकेशन, देर इज़ 40% बैटरी एंड 34.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल जाके अपनी पबजी को करेंगे ऑन एंड यस, पबजी को खेल के देखेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस मिलता है आपको इस पर्टिकुलर हैंडसेट पे। गाइस, इससे पहले मैं गेम खेलना स्टार्ट करूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 730। तो इसलिए गेम है उससे थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं। तो प्रोसेसर अच्छा है तो एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होंगी। तो चलिए देखते हैं किस मैक्सिमम सेटिंग में हम खेल सकते हैं और मैक्सिमम सेटिंग में कैसा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। गेम में एंटर कर लिया है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मुझे क्या देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो HD ग्राफिक्स में आप हाई फ्रेम रेट पे इस समय गेम को डिफ़ॉल्ट खेल सकते हो। आप HDR को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड था कि हम शायद HDR पे खेल सकें, बट हम HDR पे नहीं खेल सकते। सो ये वही सेटिंग है जो आपको Note 7 Pro में भी खेलने को मिल जाती है। सो गाइस, यहाँ हमने गेम में एंटर कर लिया है। तो अभी तो खैर नए नए प्लेयर्स ऐड हो रहे होते हैं तो इस समय थोड़े बहुत लैग्स हम जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो गाइस, लेट्स प्ले द गेम एंड लेट्स सी कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर हैंडसेट में। सो गाइस, फाइनली मैंने कर लिया है लैंड। आप ग्राफिक्स देख सकते हो काफ़ी अच्छे से लोड हुए हैं एंड मुझे किसी भी तरह का ना तो फ्रेम ड्रॉप इस समय कोई फील हो रहा है और ना ही किसी तरह की लैगिंग का मुझे कोई इशू लग रहा है इस डिवाइस में। सो अभी तक पबजी का एक्सपीरियंस हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग जो कि HD ग्राफिक्स पे हाई फ्रेम रेट पे मैं खेल रहा हूँ उस हिसाब से बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। एंड दिस इज़ द हाईएस्ट सेटिंग दैट इज़ अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर हैंडसेट। सो आप इससे ज़्यादा सेटिंग्स नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा हाई सेटिंग्स में नहीं जा सकते। सो ये एक बुरी बात भी है और अच्छी बात ये है कि इस सेटिंग्स पे काफ़ी अच्छे से गेम खेल रही है। तो विदाउट ए सेकेंडरी थॉट, अगर आप इस डिवाइस को लेना चाहते हो पबजी के लिए तो आप ले सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे बाकी सेटिंग्स पे टेस्ट करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अगर आपको हाईएस्ट अवेलेबल सेटिंग्स में मिल ही रहा है तो उस केस में आप जो है दूसरी सेटिंग्स पे टेस्ट करना अच्छा नहीं समझते या आप कह सकते हो जायज़ भी नहीं है। बट स्टिल अगर मैं एक सेटिंग्स डाउन जाके ज़रूर देखूंगा कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलता है, बट यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि मुझे एक व्हीकल मिल जाए ताकि मैं आपको व्हीकल को चला के दिखा दूँ, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्रेम ड्रॉप तो नहीं आपको कहीं दिख रहे एंड ग्राफिक्स एलिमेंट कितनी जल्दी लोड होते हैं एंड कितना स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है एक व्हीकल को ड्राइव करते टाइम भी। सो लेट्स ट्राई इट। सो गाइस, आप देख सकते हो गाड़ी चलाते हुए भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, आपको किसी भी तरह का कोई लैग या कोई फ्रेम ड्रॉप का इशू नहीं दिख रहा यहाँ पे। सो मेरे हिसाब से पबजी के लिए ये एक बहुत 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 ही बढ़िया डिवाइस है। तो आप इजीली विदाउट अ सेकेंडरी थॉट आप इस डिवाइस को ख़रीद सकते हो। और ब्यूटी देखो इस गेम की दोस्तों, इस डिवाइस में आपको ऑलमोस्ट बेजल लेस दिखता है थैंक्स टू दिस पॉपअप कैमरा, जिसकी वजह से ये बेजल लेस बना है एंड मिनिमम बेजल होने का यही मज़ा है, आप गेम को काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज अगर नॉच होती तो ये वाला आइकन है ये थोड़ा सा कटने लगता है नॉच के केस में, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो चलो मैं आपको एक, वैसे मुझे लगता नहीं मुझे किसी और ग्राफिक सेटिंग्स में खेलने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको बैलेंस में अल्ट्रा
फ्रेम रेट के साथ खेल के एक बार दिखा देता हूँ। तो मैंने सेटिंग्स यहाँ कर दी है टेस्ट चेक, और उसके लिए मुझे गेम को करना पड़ेगा रीस्टार्ट ताकि ये सेटिंग्स जो हैं वो इजीली अप्लाई हो जाएं। चलिए गेम को करते हैं अब रीस्टार्ट। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे गेम हो गई है स्टार्ट। अगर मैं आपको सेटिंग्स दिखाऊं ग्राफिक्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम बैलेंस्ड अल्ट्रा सेट करके गए थे, वो यहाँ पे सेट हो गई है। चलिए गेम को खेलना करते हैं स्टार्ट एंड देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस पर्टिकुलर सेटिंग्स पे भी। सो गाइज हमने कर लिया है गेम में एंटर। हम इस समय खेल रहे हैं बैलेंस ग्राफिक्स पे अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिक्स तो आपको बैलेंस ही दिख रहे हैं लेकिन फ्रेम रेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो इस केस में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे किसी भी तरह का फ्रेम ड्रॉप कह लो या आप किसी तरह का लैग कह लो, मुझे कुछ भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा। बट एक्चुअली हम गेम को खेल के देखेंगे, फिर उसके बाद ही इस पर्टिकुलर सेटिंग्स में भी हम अपने कमेंट्स देंगे। सो गाइस हमने कर लिया है गेम में एंटर। चलिए अब यहाँ पे गेम को खेल के देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस पर्टिकुलर हेड सेटिंग्स में। मैं अगर फिर से रिपीट कर लूँ तो हम इस समय खेल रहे हैं बैलेंस ग्राफिक्स अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ, और आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी स्मूथ है। सो मैं तो वैसे यही रिकमेंड करूँगा कि जो हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स आपको अवेलेबल थी आप उसी पे खेलें, क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला है उस पर्टिकुलर सेटिंग में भी। बट फिर भी अगर आप इस सेटिंग में भी खेलना चाहते हो तो ये आपकी इच्छा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करूँगा एंड ना ही मैं कोई गाड़ी वाड़ी ढूँढूंगा ताकि आपको गाड़ी में टेस्ट करके दिखाऊँ। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर सेटिंग में भी। सो पबजी के लिए विदाउट एनी डाउट ये जो डिवाइस है ये हाईली रिकमेंडेड है। काफ़ी देर तक गेम खेल रही है, गेम को करते हैं बंद एंड लेट्स चेक द टेम्परेचर राइज एंड बैटरी ड्रॉप। सो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ 10 से 15 मिनट तक गेम खेली है एंड अगर मैं उस हिसाब से आपको दिखाऊं तो टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल्ड है, 37 डिग्री सेल्सियस है एंड बैटरी लेवल जो है वो 37% है, यानी 3% बैटरी ड्रॉप हुआ है और 3 डिग्री ऑलमोस्ट जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 10 मिनट में पता नहीं चलता, तो गाइज मैंने अभी के लिए 10 मिनट के लिए खेली लेकिन इससे पहले मैं आधा एक घंटा खेल चुका हूँ पबजी। इसमें काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है एंड सबसे बड़ी बात इस फ़ोन में आपको हीटिंग इशू बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो यही था पबजी रिव्यू। अगर आप किसी और गेम का रिव्यू इस पर्टिकुलर डिवाइस में चाहते हो तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। सो गाइज ये था फुल रिव्यू पबजी का K20 में, जो कि 6GB 64GB वाला वेरियंट है। आपने देखा होगा कि जब मैंने HD में हाई फ्रेम रेट पे खेलने की कोशिश की तो मुझे कोई भी लैग कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला। उसके बाद मैंने आपको बैलेंस्ड में अल्ट्रा फ्रेम रेट में भी खेल के दिखाया, वहाँ पे भी कोई लैग नहीं मिला, तो उसके नीचे खेलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मेरे हिसाब से पबजी के लिए या गेमिंग के लिए कह लो ये डिवाइस बहुत अच्छा है, आप इस डिवाइस को ज़रूर प्रेफर कीजिए। लोग कहेंगे कि ये बहुत महंगा है लेकिन मेरे हिसाब से मैं इस डिवाइस से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हुआ हूँ, इसकी लुक्स को लेके, इसके कैमरा को लेके, इसकी हर चीज़ को लेके, डिज़ाइन को लेके बहुत बढ़िया डिवाइस है। सो पबजी के लिए भी मेरे हिसाब से इस फ़ोन को 10 में से 10 नंबर हैं, तो बाकी आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो इन द एंड आई विल से जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।